गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। गाइस, ये है सुबह का टाइम और मेरी ड्यूटी लग चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सच के लिए मेरी ड्यूटी तो लग चुकी है और हमेशा लगी ही रहती है, पूरे पूरे दिन ही लगती है वैसे तो। पर अभी मैं सच को कुछ खिला रही थी तो हम लोग बैठे नीचे और हस्बैंड भी चाय और बिस्किट खा रहे थे। और अभी क्या होता है, हमारी दोनों की ही ड्यूटी है वैसे तो, एक बार वो रखेंगे एक बार मैं रखूँगी। तो ऐसा करके मैं फटाफट सुबह का चाय कॉफ़ी, इसका दूध, खाना पीना या जो जितना मैं कर सकती हूँ, घर को क्लीन करती हूँ और इसको थोड़ा हम लोग खिलाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा घुमाएं, इसको खिलाएं, इसको वॉकर में बैठाएं। इस सुबह का है इसका रूटीन, क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन का टाइम थोड़ा अलग हो जाता है, सुबह का क्या है एकदम फ्रेश फ्रेश होते हैं, सब फ्रेश होते हैं ना, तो फ़र्क पड़ता है। और मैं साथ ही साथ सफाई भी कर रही थी क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब मेरे पास तो टाइम बचता नहीं है, फिर जितना हो सके मैं कर लेती हूँ फटाफट हस्बैंड के रहते हुए। और बस अभी झाड़ू लगा दूँ बस, और कुछ नहीं। इनका नाश्ता मैंने रेडी कर दिया था और पैक भी कर दिया था, और यहाँ पे मैं सच को खिला रही थी ऐसे वॉकर में चला रही थी, और उसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, वो इतना खुश हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। और मुझे भी मज़ा आ रहा था, मैं भी उसके साथ बच्ची बन गई थी, क्योंकि क्या होता है कि मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है इसके बहाने, तो मैं भी खूब भाग दौड़ कर लेती हूँ सुबह सुबह। बच्चों का तो कुछ होता नहीं, हमारी एनर्जी चली जाती है। गाइस, इसके पापा है इस रूम में, नहा कर आए हैं, लेकिन ये गेट के बाहर खड़ा है। बेटा बाबू रेडी होने तो पापा को जाने के, देखो अच्छा ये देखो ये जिद कर रहे हैं अंदर आने की। अरे पापा को एक मिनट नहीं पीने देता ना। खुल गया गेट, आ गए पापा। अरे भगवान राम, भाई इसको उठा लो, कब से वेट कर रहा है गेट के बाहर। जाओ ना जाओ, क्यों खोल रहे थे? पापा ही का वेट कर रहे थे। मुझे बोलता पापा गई। मैं नहा कर आई ही थी कि सच उठ गया, सच को सुला के मैंने सोचा मैं फटाफट नहा लेती हूँ, बाकी सारा काम तो कंप्लीट हो ही चुका है। 2 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, सारा मैं सारा यानी खाना पीना उनको सब भेज दिया, साफ सफाई वफाई सब हो गई थी। पर क्या हुआ कि इतने में सच को सुलाया, 10 ही मिनट सोया होगा कि मैं जैसे नहा के आई उठ गया। उठते से इसको मैंने यहाँ बैठाया, मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वरना, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। तो इतने में क्या हुआ, मैं बनाई रही थी, किसी ने पॉटी कर दिया, फिर मैंने सोचा यार अभी क्या, फिर इसको नहला लेती हूँ। वैसे मैं उठते से नहीं नहलाती, इसको थोड़ा टाइम देती हूँ, खेलता है, कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी देन मैं इसको नहलाती हूँ। पर फिर मैंने सोचा यार नहला देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि फिर वॉश करना तो है ही, वैसे बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा यार साथ ही साथ मैं नहला लाती हूँ। तो ये भी देखो अभी नहाया है। और गाइस, सुबह का तो देख ही लिया होगा अपने मेरे बाबू का, बहुत शैतान है मेरा बाबू, बहुत ही क्यूट ही कटी है मेरा बाबू, बोल रही हूँ यहाँ। तो बस यही है, ऐसे ही टाइम ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का, ये मुझे टाइम ही नहीं देता। और गर्मी आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा है, बड़ी बेचैनी सी, बड़े अनकंफर्टेबल सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। जितने सर्दियों के दिन अच्छे लग रहे थे ना दिन में, उतना यहाँ गर्मियों में अच्छा नहीं लग रहा। दिन यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती जितनी हमारे उधर राजस्थान हरियाणा में होती है, तो मुझे यहाँ की सर्दी मीडियम ही लगती है, तो मैंने कभी ढंग से स्वेटर भी नहीं पहनी। और अच्छा लगता था, अभी थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बस
ठीक है, बच्चा है इसलिए दिन का पता नहीं चलता, वरना कई बार तो बड़ी बेचैनी से रहती। काम करने की इतना उतना मजा नहीं आता जितना स्टार्टिंग में, जितना शुरुआत में सर्दियों में आ रहा था ना, उतना नहीं आ रहा था सर्दियों की शुरुआत में जो आ रहा था। फिर सर्दी बढ़ गई, फिर आलस आ रहा था। अभी आलसी से दिन हो गए है ना, ये आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि दिन आलसी से हो गए हैं। और बस गाइज बैठे माँ बेटे, और अभी इसको एक दो घंटे मेरे साथ खेलेगा, मैं इसको खिलाऊंगी थोड़ी देर, खिलाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी, तो थोड़ी देर खेलता रहेगा मेरे पास, और कुछ खिला पिला भी दूंगी। तो एक दो घंटे बाद इसको आना साना शुरू होएगा, तो मैं बेड पे ले लूँगी, बेड पे बैठा रहेगा, खेलता रहेगा, मेरा भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा लेटूंगी मैं, और उसके बाद फिर से खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं सब अभी और कुछ तो काम है नहीं, बस खाने का है, तो अब इसका टाइम है। मैं ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, वैसे तो कपड़े रखे समेटने को, अभी नहीं समेटूंगी, बाद में समेटूंगी जब लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा एनर्जी अगर इसमें दे दूंगी तो क्या होता है, बच्चे को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप की एनर्जी मुझे स्टोर करके रखनी पड़ती है कि ताकि इसके साथ मैं फ्रेश रह सकूँ, नहीं वरना तो इसके साथ भी मैं ऐसे फिर मुझे फीवर आ जाता है, बहुत थक जाती हूँ। कल मैं बहुत थक गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे फीवर आ गया, गर्म हो गई थी पूरी बॉडी। तो और अभी पानी आया हुआ है, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो कपड़े भी धुल रहे हैं, तो वो भी सुखाने हैं, दे चेक करके आना है उनको बार बार। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। चलो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। बाय बोल दो, बाय बाय बाबू, इसको ध्यान ही नहीं है, बाबू बाय 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 बाय। अरे हाँ मैं बताना भूल गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा सिर्फ 13 महीने का है, मुझे नहीं पता 13 महीने के बच्चे इतना बोलते हैं क्या, ये इतना बोल रहा है कल झाई झाई जी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। कल जायजी को बोलता है उठ गया उठ गया उठ गया, मतलब जायजी ने बोला खड़ा होके दिखा, उठ के दिखा, तो उठ के दिखाता है उठ गया उठ गया। और ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स, कल मैंने बोला था बोल दे सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारे, तो इसने पता नहीं क्या सुनता है क्या है। तो कल भी आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ है ऐसा क्या है, ऐसे पढ़ रहा था, ये बहुत सारे वर्ड्स बोलता है। शुरुआत में इसने वाहेगुरु और मम्मा मम्मी मम तो सब बोलता ही है, पापा डैडी भी बोलता है, दीदी बोलता है, और काका बोलते हो, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं गाइस। मैं तो हैरान हूँ कि मैंने इतने छोटे बच्चों को ऐसे वर्ड्स मैंने हम सिखा तो नहीं रहे ना, कुछ वर्ड्स हम सिखाते नहीं, अपने आप से बोलता है। जाय जी भी बोलते हो, अभी नहीं बोले, मूड होता था बोलता है उठ जाओ उठ के दिखा, अभी नहीं बोलेगा, ये एकदम से बोलता है और मुझे बहुत अलग लगता है। चलो गाइस बाय, बहुत तंग कर रहा है।